कोरोना की तीसरी लहर का खौफ बना हुआ है, वहीं थर्ड वेव में बच्चों के संक्रमण को लेकर करोड़ों माता पिता को तीसरी लहर का डर सता रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए सरकारों ने कमर कस ली है, ऐसी आशंका जताई जा रही कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा ज्यादा हो सकता है। भयंकर है बीमारी, बच्चों पर भी है खतरा भारी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही और इस बीच एक और खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की जा रही है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का एक तबका कुछ और ही बात कर रहा है और इनका कहना है कि तीसरी लहर को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सरकारों को सबक लेने के साथ ही इस हिसाब से तैयारियां करने की सलाह दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे? दूसरा सवाल यह है कि क्या बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए खास एहतियात बरतनी चाहिए? क्या पेरेंट्स को सतर्क होने की आवश्यकता है अभी से, आज से? है और अब डॉक्टर वी के पॉल की जिस तरीके से ये बात सामने आई है उसके बाद तो सवाल और डर और भी ज्यादा है। तो तीसरी लहर का डर सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को बचाना है और तीसरी लहर से पहले तमाम इंतजाम करने हैं। साथ ही आप लोगों को भी समझना है कि आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन सीरो सर्वे में जिस तरह से चीजें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और उनसे दूसरों को भी उतना ही खतरा है।